अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो पहले ये कोविड नहीं आने वाली इसलिए हटा देंगे इनको पहले इस उससे वो देखो गोपाल गोपाल के सीरियल नंबर बता गोपाल कुमावत गोपाल कुमावत सीरियल नंबर बता आपके साइबर अटैक का गेट खुलेगा ही अगर आपने उसको कैजुअली कोई भी लिंक आ रहा है अपन बैठे हैं अपन जान ले लिया उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं उस लिंक को हम दबाते जा रहे हैं रिपेयर करने के लिए वहाँ पे छोड़ा गया। सर मोबाइल चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है तो क्या ये पर्सनल और प्रोफेशनल डेटास को चोरी करने के लिए होती हैं या फिर कोई दूसरे पर्पस से? मोबाइल की शुभकामनाएं मैं पुलिस कंट्रोल रूम में आप सबका स्वागत है। इस सभी मेरे मीडिया के साथी हैं पत्रकार रजू हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो स्वागत आप लोगों को मिल रही है जिनका मोबाइल कोई छोटी सी ये बेसिकली ज्यादातर फोन किसी शॉप्स पे रख के जाते थे और कई बार ऐसा होता था फोन को वहां से भी मिले कुछ लोगों से भी मिले सीधा। फोन में क्या होता है कि कई बार रिपेयर कराने के लिए गया इसके लिए कराने के लिए तो हमको वहां से भी मिला। सर अप्रोक्सीमेटली कितने समय ड्यूरेशन? देवास पुलिस का एक समाचार है देवास पुलिस की साइबर सेल टीम का लगातार काम के बाद ये मुहिम चालू की गई है। मैं बताना चालू करूँ? जी बताइए आपका इंतजार ही कर रहा हूँ। करीब तीन महापौर पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय संपत उपाध्यक्ष सर ने एक मीटिंग ली और सभी साइबर सेल और इसमें जो साइबर सेल प्रभारी हैं पवन मेरे साथ बैठे हैं शिव सेंगर प्रधान अधीक्षक सचिन चौहान प्रधान अधीक्षक गीतिका संजय शर्मा मुर्तजा कर्नल आरक्षक योगेश कदम ये पूरी टीम आपसे मुखातिब होती रहती है लगातार काम करती रहती है। अपराधों में भी ये बहुत गंभीरता से काम करते हैं अचीवमेंट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है और ये एक्सक्लूसिवली साइबर सेल की पूरी मेहनत है जो मेरे पीछे इतने सारे मोबाइल फोन रखे हुए हैं और आप लोगों को वहाँ दिए जा रहे हैं। पहले तो बताने क्या जज्बा लाओगे हमको हमारे साथ कुछ हो रहा है तो बताओ किसी को तो चीज़ को शेयर करो तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो मैंने उनका व्हाट्सअप किया उनको और फिर उन्होंने मुझसे अपना डिटेल और आधार कार्ड तो आप जो भी चलाएंगे बहुत से लोग रील बनाते हैं खाना नहीं खाएंगे रील बनाएंगे सही बात है ना? सही बात खाना खाए भी रह सकते हैं पर रील बना दे सकते हैं तो रील बना रहे हैं तो उससे अपन डेटा शेयर हो रहा है तो इसलिए जो डेटा आप शेयर कर रहे हैं जो अकाउंट बना रहे हैं सब बनाए प्राइवेट अकाउंट कौन से बनाए प्राइवेट और अपनी पिक्चर्स फेसबुक पे शेयर ना करें वो आपकी है किसी और को दिखाना नहीं है पिक्चर शेयर करते भी हैं तो बाद में ओनली मी कर लें उसे है ना मी सिर्फ मेरे लिए अपना एटीएम नंबर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर किसी को भी नहीं बताना है ठीक है ऐसे किसी के अकाउंट से पैसा नहीं जाता है बट अपनी गलती के कारण ही जाता है क्योंकि हम ओटीपी शेयर कर देते हैं अनजान व्यक्ति से अनजान लोगों से लोन ले लेते हैं। संतोष चौहान इधर देखना इधर ये श्रीराम गोहिल बिल्कुल राजेश दास मुझे कुछ
सुनना भैया सब इनकी बात ध्यान से। आधार कार्ड मांग रहे हैं और मेरे प्रूफ मांगा, फिर मेरे को बोला कि तुम एक छोटा सा टेस्ट दो ताकि हम देख पाए कि हाँ तुम वो आधार कार्ड देना कोई अपराध नहीं है ना। आधार कार्ड देने के बाद में आपसे टेस्ट किस टाइप का मांगा सर? टेस्ट इन द सेंस कि छोटा सा तुम एक करके दिखाओ हमको, मतलब एक ऐसे ही पेज दे दिया था इमेज टाइप का, उसको टाइप करके दिखाओ क्योंकि तुम डेटा एंट्री के लिए वर्क के लिए वो कर रहे हो। तो मैंने वो टाइप करके दिखाया, उन्होंने बोला ठीक है तुम एलिजिबल हो। फिर मैंने उसको, उन्होंने बोला कि अब हम तुमको काम देंगे, उसके लिए तुम हमको जो है एक सिक्योरिटी मनी तुमको जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ये किस लिए? बोले ये हमारी कंपनी का एक वो होता है। काम करके मैंने फ्रीलांसर साइट होता है उसमें मैंने ऑनलाइन वर्क जैसे डेटा एंट्री वगैरह ये इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसके लिए काम कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएगा और मैं उसके बाद जो भी मेरा खर्चा रहेगा मैं सेल्फ उठा पाऊँगा क्योंकि मैं MBA कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मेरी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा। हाँ सर, हमने इंटरनेट पे कोई भी चीज़ देखी और उस पर हमने तुरंत विश्वास कर लिया, जब तक उसको जानो नहीं। ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट फ्रॉडी होती है, ये हमको देखना है कि हम जहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं ऑथेंटिक वेबसाइट पर वेबसाइट असली है या नहीं। ऑथेंटिक वेबसाइट पर भी फर्जी लोग रजिस्टर कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। और वो जो रजिस्टर करते हैं उनके नंबर भी फर्जी होते हैं, मतलब इस वजह से। कि जो है ये मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ था और कब चोरी हुआ था? ये मोबाइल मेरे को 7 अक्टूबर को चोरी हुआ था मेरी शॉप से। मेरी शॉप पे ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, ये कस्टमर आया। क्या दुकान पे लगा हुआ था मोबाइल? हाँ, दुकान चार्जिंग पे लगा हुआ था। अच्छा, तो उस समय कोई आया और ले गया था? हाँ जी। कब की घटना थी ये? अक्टूबर की है, 7 अक्टूबर। अच्छा, तो आपको कब आपने इसकी कंप्लेंट करी थी सर? तुरंत ही। अच्छा, तो आपको थाने में आपको यहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना दी गई थी कि आपका मोबाइल मिल गया? हाँ, कल मेरे को सूचना मिली थी, उन्होंने कि आधार कार्ड और बिल लेके आना है और आपका मोबाइल जब्त हो गया। कौन सी कंपनी का मोबाइल है? मेट्रोला। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। श्रीराम गांधी। का मोबाइल कैसे आपको मिला है और कब इस चोरी हुआ था? ये चोरी हुआ था 25/8/2023 में। हाथ से उठा, दुकान से उठा ले गया था, घर से। कहाँ पर है आपकी दुकान? ये एवी रोड बावरिया में। अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? क्लिनिक है हमारा। अच्छा, वहाँ से आपने, वहाँ पे आपने मोबाइल रखा और कोई और उठा के ले गया? नहीं, जिसको हम जानते भी हैं वो उठा के ले गया, उसका फ़ोटो भी आया हुआ है। अच्छा, सब कुछ। बाकी यहाँ तो जो रिपोर्ट लिखाई गई है तो जो है चोरी हुआ, हमने बताया भी फ़ोटो और वहाँ थाने में भी दिया उसके वो, पर उसका नाम मुझे नहीं मालूम था उस लड़के का जो ले गया। अच्छा, तो मैं गुम सुधी लिखाया है। उसके बाद फिर आपको ये सूचना कब मिली कि आपका मोबाइल? कल मिला, साइबर से मिली, जो है सीओ जी है ना जी, उन्हें बोला आपका मोबाइल मिल गया है, आप कल आ जाइए 10:30 एसपी ऑफिस से। क्या नाम है आपका? मेरा राम शरण मिश्रा नाम। कहाँ है आपकी दुकान? बावड़िया। बर्थडे था उसका, सेलिब्रेशंस के लिए हम लोग 5 लोग गए थे कुल मिलाकर, और उसमें से हमारे साथ एक 3-4 साल की बालिका थी छोटी सी, उसके हाथ में बड़ी लड़की ने फ़ोन दे दिया, वो झूला झूलने लगी। और वहाँ ऐसा फ़ोन रखा, वहाँ कम से कम 4-5 लोग थे, उसमें से एक आदमी था जिसने मेरा फ़ोन उठाकर चला गया। हमने तुरंत उस पर कॉल लगाया बट वो गेट के पास तक जाते जाते उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद से मैंने कंप्लेन करी, उसके बाद में मेरा जो अपना वेबसाइट होती है उस पर मैंने अपनी पूरी डिटेल्स डाली, उसके बाद मेरा कॉन्टेक्ट इधर एसपी ऑफिस से रहता रहा, फिर मुझे अपडेट आया कि मेरा फ़ोन मिल चुका है। तो ये आपको, ये घटना कब की थी आपकी? ये मेरी 8 अप्रैल की थी। अच्छा। 8 अप्रैल 2023 की थी। 2023 जी। और ये आपको सूचना कब मिली कि आपका मोबाइल मिल गया है? मुझे परसों यस्टरडे कॉल आया था कि आपको आपका थाना एसपी ऑफिस आना है और इस डॉक्यूमेंट के साथ आना, आपका फ़ोन मिल चुका है। क्या नाम है आपका? रुचि दुबे। कहाँ रहते हैं आप? मैं देवास में रानीबाग शहर की लड़की हूँ।